मैया कहने लगी रुक्मिणी पागल हो, अबे तो रोगी तो आके सूझ जाएगी, तुम्हारा विवाह परसों होगा, अभी मत रो। रुक्मिणी कहने लगी नहीं मैया, तुम यही समझ लो कि हम आज ही जा रहे हैं और हमारे परम सम्मानी परम सदे होम सिंह चाचा जी एर की तरफ से अनुज बबंदर चिमटा मास्टर के लिए एक से एक मुद्रा भेंट हो रही है। बोलिए भगवान की। उसी समय रुक्मिणी अपनी मैया के सीने से लग के रोने लगी और कहने लगी मैया तुम यही समझ लो कि हम आज ही जा रहे हैं। और एक से एक मुद्रा है, पांच बर्तन माधुरी और मधु नंगला पाती सुखा बाद। इनकी तरफ से एक सौ मुद्राएं और पांच बर्तन दे करके हमें सम्मानित कर रहे हैं। और जैसे ही रुक्मिणी अपने मैया के गले से लग के रोई, मैया उसी समय रुक्मिणी ससुराल के लिए तैयार हुई, मैया के गले से लग के रोने लगी। ओ मैया क्या चली ससुराल दुल्हे बन के, चली है ससुराल मैया। उसी समय रुक्मिणी मैया, हाँ बेटी मैया जब बताओ, हाँ आज हम कहाँ है, आज आज तेल है बेटी तुम्हारा, और कल कल मंडप है, और परसों परसों तुम्हारा विवाह होगा, विदाई होगी, परसों चले जाएंगे, हाँ परसों तुम चली जाओगी मैया, हाँ मम्मी, हाँ बेटी मम्मड़िया, हाँ रुक्मिणी बता बेटा उदास क्यों हो, हम मन ऐसे कर रहे हो, हाँ बताए, हाँ बता बेटी, हम मन ऐसे कर रहे हो, कैसो मम्मी, हाँ बता मम्मड़िया, अरे कैसे मम्मी मम्मी जे कह रहे, हाँ तुम
नहीं रुक बड़ी, हम चिल्ला नहीं रहे बेटी, तुम बात बताओ दास का है। तुम बताओ हम परसों चले जाए, तुम ऐसे चिल्लाती इतने पर पराय होएगा हम तुम्हें काजे वजन होएगा हम। नहीं नहीं मेरी रुकमणी, अपनी रुकमणी को कितना चाहते हैं, और अभी तुम रोगी तुम्हारी आंखें सूज जाएंगी, तुम्हारा विवाह तो परसों होगा, इसलिए बेटी चुप हो जाए। मम्मी हाँ हम तो रोए हैं आज ही गले से लेते, फिर मौका मिलो न मिलो तो काहे नहीं मौका मिलेगा, अभी तो तुम जा रही हो, अभी तो तुम पूजन करने के लिए जा रही, पूजन करा। पूजन नहीं मम्मी, हमें सुत्ते आते बहुत, फूफा की जाते सुत्ते आते, फूफा कहाँ है हमें? फूफा जी बैठे पास में बिटिया जी। हाँ क्या फूफा तुम तो आते हैं ना, फूफा तुम जो बाहर कैसे जा रही है? क्या फूफा पैसा वाले होगा ज्यादा है कि लड़का बारे में मेड़का एड़का मारे है? मौका है जहाँ का तुमका मतलब अवाल हम कह दी, फिर का फायदा? हाँ फिर ऐसे कर दो, तुम नहीं छोटे तो ऐसे ही रखा। मम्मी हाँ अब बुआ कहाँ है? बुआ जब बैठी सफेद धोती पहने, जब बुआ कुत्ता सलवार काहे पहने आई है? पुपा तुम जल्दी चले आइयो, मोहन लिवाई ले जाइयो, हमें अच्छा नहीं लगे जाने में, हमें कैसे रखे डुकड़ा डुकड़िया चेट कमा रहे। बुआ है ना, बुआ बुआ तुम्हें दाढ़ी कहाँ से जमी आई है? बुआ ओ बुआ रुको मेरी पागल हो, ओ बुआ हमें नहीं जाइए मम्मी, रुको मेरी पागल हो, अब ऐसा नहीं हुआ बिटिया, तुम्हें दो दिन में शादी के, हमें परसों जाओगी तुम। रुको मेरी ए बिटिया काय को पागल बन रही हो, रो नहीं, काय को रोती हो? जब फूफा बना सिर रही है जब मैं छुपा देना, जब खुद रोए रहा है ए हम जाके मारे कल ये दिन, जब मैं छुपाई नहीं जी फूफटा सिर रही होएगा बना हम नहीं। अब बुआ तुम मरे बे कोई छुपाई लियो नहीं कभी, हम रोए रहे हैं देखो तब ए आसन तो पूरा बंपा भएगा वाह बुआ। रुकमणी काय करवाती है बिटिया? बुआ अरे बीमार पड़ जा रो ना। चाची को है? चाची पे बैठी काली साड़ी पहन जी। चाची तो मुए काय मोकरे न्याय के साथ है तो का मतलब तुम हमते बोले नहीं, लड़ाई पापा के रखाई हो मम्मी तक आई है ना। अरे चाची चाची तुम्हारी सम परस उठा रहे गले में देखो है जे बैठी देखियो जंग पे दे दो हम चाह रहे चाची है ना है। चाची सर ने पढ़ी लिखी नहीं है हम तो चाची तो रोए चाची बड़े बड़े ना छोट छोट। अब तुम कहा बताए वैसे लड़ाई होती मम्मी तो चाची रही थे ना आवाज सुनाए ने कहना जो दुपट्टा मोटा थे उनको यात्रा ही हम ले आते का कर रहे तुम्हें बात तो समझ लेने का। अरे ना इतने बार हुए तुम्हें कहा जाओ भैया कह रहे कहते चाची चाची आंटी आंटी हम नहीं जाइए मैं लिवाई ले आइयो आओ रोना बिटिया कोई बात नहीं रोना नहीं तो फिर छुपा लो तो नहीं रोई हम। हाँ तो छुपाए रहे रुआ ना बिटिया तो छुपा 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 जो कह रहे चाचा है ना बस जकात तुम गाड़ी में पेप्सी बोतल करवा दियो, गर्मी पर कुरकुरे करवा दियो, समोसा और लाल वाली चटनी आओ तम रत्तम खाए ली अंदर टावा गई जाए वो नाश्ता कर लियो जदुआ के पुल पे आओ। और सुनो कराल बहुत दूर है, हमें इंतजार ये करने गए लेट हो ये देखो जाए भी आज फिर पता कितने घंटे पहुंचे। और तुम ऐसा करो तुम पेप्सी की ट्यूब ले आइयो, ट्यूब हां हरी वाली हां ट्यूब अच्छी मीठी लगा तुम ज्यादा। और सुनो पे ले आइयो 10 रुपए फिंगर ले आइयो हाँ। और तुम इत गाड़ी में भरवा दियो सामान, तुम्हारे किसान चाचा कछु नहीं खाओ मेरे ब्याह के मारे तुम जमोल लो बड़ा दिक्कत पेट में जमोल लो, अगर 10 मिनट में कछु हमारे खाए तो पेट हमें खाई जाए ताके मारे तुम। और सुनो पे ले आइयो बत्तन वाली नमकीन आते सो बम बम मिक्सर मुफरी की चिया निकट तुम्हें में हां इत सामान भरवा दियो तुम बम में। और एक चीज और रह गई मैंने कहा वो टका टका टका। सुनो गाय मेरे को सेंटर फिर रात रात के सो दे दी रहो बच्चे वाले तुम्हारे भाई में वही काम कर रहे हैं। हां ठीक है चाचा ठीक है कोई बात नहीं पता हो ना। अच्छा जी साजन है जगह तुम लिवा ले जाइए मोया चौथे दिन। हां ठीक है
और सुना बुआ ले आइयो बाल माते इटावा तो बंदे को समोसा ले गई चाहे हमारे कराल में तो रॉयल ले लियो हाँ ले के आइयो वही मारे हमने ले के आए थे बोलिए गोविंद भगवान की।